हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सॉलिड स्टेट टेस्ट वन के रिजल्ट और उनके उत्तरों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो उसका रिजल्ट इस प्रकार है, कुछ आप सुन लीजिए, उसके बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न हैं इनका अगर क्लियर इसको चाहते हैं आप, तो टेस्ट वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें इससे ज़्यादा स्पष्ट है। ये हाथ पर लिखें कि हम आपको समझा सकें, ये क्वेश्चन हाथ से लिखे हम कि आपको समझा सके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मिथिलेश कुमार चंदू डेरा से 7 नंबर लाए हैं, कुंदन राजा 3 नंबर लाए हैं, राजेश कुमार 2 नंबर लाए हैं, प्रिया पांडे 9 नंबर, खुशी कुमारी जमुआओं से 9 नंबर, सिकंदर कुमार इटाड़ी से 16 नंबर, शिवम केसरी कुलड़िया से 13 नंबर, नीतीश कुमार तियारा से 5 नंबर, काजल कुमारी पद्यापुर से 12 नंबर, प्रीति कुमारी रोहतास से 15 नंबर, अर्श कुमार केसरी इटाड़ी से 10 नंबर, प्रीति कुमारी शिवबंधा से 13 नंबर लाई हैं, संदीप कुमार 7 नंबर लाए हैं, दीपक पाल नागपुर से 5 नंबर लाए हैं, अंकित कुमार बगुआरा 18 नंबर लाए हैं, पूजा कुमारी नदाव से 11 नंबर, किशन कुमार दलसागर से 9 नंबर, रामकृष्ण उपाध्याय कल्याणपुर से 9 नंबर लेकर आए हैं, रितेश कुमार संग्रामपुर से 10 नंबर लेकर आए हैं, दिव्या कुमारी 17 नंबर है उनका, प्रियंका कुमारी इंदौर से 15 नंबर, कल्पना कुमारी उपाध्यायपुर 16 नंबर, राजा अंसारी नाट से 15 नंबर, खुशबू कुमारी केसठ से 17 नंबर, सुनीता कुमारी जगदीशपुर से 15 नंबर, सोनिया कुमारी का 16 नंबर है, मोहित कुमार नारायणपुर से 11 नंबर, राजेंद्र सिंह जगदीशपुर से 14 नंबर, अभय कुमार कनपुरा से हैं 10 नंबर है इनका, हिमांशु कुमार जगदीशपुर से 9 नंबर, राहुल कुमार श्वेत नगर बक्सर 10 नंबर लाए हैं, प्रिया कुमारी हरपुर से 13 नंबर, निकेत ठाकुर तियारा से तियारा राजपुर से हैं 18 नंबर लाए हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है इनका सबसे, राज ठाकुर बक्सर से 16 नंबर, सचिन केसरी इजरी से 10 नंबर, शिवांगी यादव 16 नंबर, विकास कुमार नेहरू नगर बक्सर से 7 नंबर, नैना कुमारी बसावन कला से 11 नंबर, गुलाम वारिश अहमद सारिंगपुर से 15 नंबर, अंकित कुमार डिहरी से हैं डिहरी राजपुर 11 नंबर लाए हैं, विवेक यादव 10 नंबर, ज्योति तिवारी खीरी से हैं 16 नंबर, सोनू कुमार विक्रम इंग्लिश से 15 नंबर, बंधन शाकिया जगदीशपुर 17 नंबर, अनिश कुमार यादव कर्मा से हैं, ये भी 18 नंबर लाए हैं जो कि हाईएस्ट नंबर है इस टेस्ट का, निशु उराव से 12 नंबर, अर्चना कुमारी चौबे के परसिया से 18 नंबर, सिया कुमारी इंदौर से 8 नंबर, आनंद कुमार बड़का गांव मानसिंह पट्टी से 17 नंबर लाए हैं, रविंदर राज चंदू डेरा से 14 नंबर लाए हैं, साजिद अहमद भरखरा से 10 नंबर लाए हैं, परशुराम सिंह सलेमपुर से 15 नंबर लाए हैं, शेदा प्रवीण दलसागर से 8 नंबर लाई हैं, श्रुति श्रीवास्तव बक्सर से 11 नंबर, शबीर अली बक्सर से हैं 7 नंबर लाए हैं, विक्की कुमार 16 नंबर लाए हैं, मुन्ना सिंह 11 नंबर लाए हैं, प्रीति सिंह राजपूत बक्सर से 2 नंबर लाई हैं जो कि सबसे कम है, टिंकू कुमार यादव 12 नंबर लाए हैं, पूजा कुमारी उराव से 12 नंबर, नेहा कुमारी गोंड सोंधिला से 13 नंबर, तनु राय हरपुर से 12 नंबर, गायत्री कुमारी वीरकुंवर कॉलोनी बक्सर से 13 नंबर लाई हैं, दीपा कुमारी जगदीशपुर से हैं 9 नंबर लाई हैं, बलवंत कुमार बक्सर से 16 नंबर, मुन्ना कुमार इंदौर से 9 नंबर, प्रियंका कुमारी बक्सर से हैं 16 नंबर लाई हैं, अभिषेक कुमार यादव कल्याणपुर से हैं ये 4 नंबर लाए हैं, प्रियंका कुमारी इंदौर से 14 नंबर लाई हैं, राहुल राय मनिया से 18 नंबर लाए हैं, ये भी अच्छा नंबर लाए हैं, रोहित ओझा 12 नंबर लेकर आए हैं। तो ये आपके टेस्ट सीरीज में भाग लेने वाले बच्चों के नंबर थे जिन्होंने अपना आंसर व्हाट्सएप पे भेजा था या कॉमेंट बॉक्स में डाला था। और फिर रेडी रहिएगा, इस संडे को भी फिर टेस्ट होने वाला है और टॉपिक आपको पता है, इस बार भी फिर टेस्ट में भाग लीजिए अच्छे से। और हम लोग अभी प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं कि इनका उत्तर क्या होगा, कि आप लोग घर पर भी बैठकर संतुष्टि कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है, एक विशेष ठोस अति कठोर है, बहुत कठोर है, इसका गलनांक अति उच्च है, गलनांक भी अति उच्च है, ठोस अवस्था में अचालक है तथा प्रगलन करने पर, प्रगलन का मतलब होता है द्रवित अवस्था में यह विद्युत का चालक हो जाता है। मैंने ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस चार ही हैं, चार में सहसंयोजक और आणविक विद्युत के कुचालक है, सुचालक में दो ही है आयनिक और धात्विक, तो आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक, द्रवित अवस्था में सुचालक, और जो धात्विक होता है ठोस द्रवित दोनों में सुचालक होता है, और सहसंयोजक में एक अपवाद है ग्रेफाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आयनिक यौगिक होगा, देख सकते हैं आप चौथा नंबर, ठीक है। बाकी किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, देखिए ये धातु का गुण है, चालक आघात वर्धनीय और तन्य, इसका मतलब ये धात्विक ठोस है, जाके धात्विक ठोस का प्रॉपर्टी देख लीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, धातु भी ठोस हो गया इसका। तीसरा नंबर देखिए, ठोस ए एक अति कठोर ठोस है तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। गौर कीजिएगा, एक ठोस ए है बहुत कठोर है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, मतलब द्रवित अवस्था में विद्युत रोधी है, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? ध्यान दीजिए, विद्युत रोधी है, गलित अवस्था में भी उच्च ताप पर पिघलता है, मतलब सबसे ज्यादा गलनांक भी है, तो यह सहसंयोजक ठोस हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सुचालक में दो ही हैं, बताया आपको अभी हमें, आयनिक और धात्विक। आयनिक गलित अवस्था में सुचालक होता है और जो धात्विक होता है गलित और ठोस दोनों अवस्था में। लेकिन यहां पे बोला कि गलित अवस्था में भी कुचालक है, इसका मतलब ये ना तो आयनिक है ना ही धात्विक है। और आण्विक की बात करें तो आण्विक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, गलनांक सबसे अधिक है। तो आपको यह याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे अधिक गलनांक सहसंयोजक का ही होता है, राइट। अब आपसे बोला ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अधातुओं का बृहद अणु है और अधातुओं के बृहद अणु क्या होते हैं? सहसंयोजक यानी सहसंयोजी होगा। निम्न में कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है? सहसंयोजक क्रिस्टल मतलब सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो रॉक साल्ट देखिए, रॉक साल्ट क्या है? रॉक साल्ट आयनिक हो गया। बर्फ जाते हैं तो बर्फ में एच बॉन्ड बनता है, आणविक में हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है। क्वार्टज और धातुओं का बृहद अणु, क्वार्टज दैट इज सहसंयोजक, राइट। आपका तीसरा नंबर आंसर होगा। प्लास्टिक है, सबको पता है प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। आपका ऑप्शन आयनिक है, धात्विक है, सहसंयोजी है, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर, राइट। अगला बात देखिए, एनएसईएल क्रिस्टल की संरचना है। अब देखिए एनएसईएल क्रिस्टल की संरचना पर और विभिन्न प्रकार के यौगिकों की संरचना पर एक पूरा वीडियो बना दिया, और एनएसईएल की संरचना आपको बताए थे फलक केंद्रित मतलब एफसीसी में होती है। पहला नंबर आंसर होगा इसका, ध्यान दिए। आठवें नंबर की बात करते हैं, बोला है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो फलक केंद्रित घनीय जालक मतलब एफसीसी बोल रहा है, तो आपको पता है कि एसएससी में टोटल परमाणु एक होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं? दो होते हैं, और एफसीसी में कितने होते हैं? चार होते हैं। तो एफसीसी बोल रहा है तो टोटल चार होंगे, मतलब आपका ये तीसरा नंबर आंसर होगा। 58.5 ग्राम एनएसीएल में एकक कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या होगी। अब यहां पे संख्या जो बता रही है उसके लिए इधर रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके उत्तर को आप उतार लीजिए, ये सारे उत्तर जो है क्या आपको मिलाने में सुविधा होगी। यहां पे ये गोल घेरे हैं, ये है, ये है, अब इसको रफ कर दे रहे हैं, इसका जो नोमेरिकल टाइप आएगा इधर हम बना के आपको समझाते हैं, ओके। चलिए 9 नंबर जो है इसको देख लेते हैं। हालांकि 9 नंबर का आंसर हम आप लोग को सॉलिड स्टेट के जो आंकिक प्रश्न बनाए उसमें दे चुके हैं। तो 9 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखिएगा, यहाँ पे 58.5 ग्राम एनएसीएल में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए एनएसीएल के लिए क्या दिया गया है। तो एनएसीएल के लिए आप चलते हैं, ये आपको बना रहे हैं कितना नंबर, 9 नंबर। एनएसीएल के लिए आप चलते हैं तो गिवन मास आपको दिया है 58.5 ग्राम, मतलब दिया हुआ दरमान प्रश्न में। मॉलिकुलर मास आप निकाल दीजिए, जो एक मोल का निकलता है सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, तो बराबर हो जाएगा ये 58.5 ग्राम। तो मोल निकाल लीजिए तो देर पर एनएसीएल का मोल बराबर एन बराबर गिवन मास बटा में मॉलिकुलर मास होता है, मतलब डब्ल्यू बटा एम होता है, तो बराबर हो जाएगा 58.5 बटा में 58.5, तो बराबर हो गया एक मोल। और ध्यान दीजिए एक मोल में कितने कण होते हैं, तो एक मोल एनएसीएल बराबर, एक मोल एनएसीएल बराबर होता है 6.022×10^23। अब ये भी आपको याद रखना है कि एनएसीएल के एक इकाई से है, एनएसीएल होता है किस में, एनएसीएल एफसीसी में होता है, पहले बताया। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, लेकिन इसमें एनएसीएल के एक इकाई सेल में, एक इकाई सेल में कितने एन ए प्लस होते हैं? एक इकाई सेल में 4 एन ए प्लस और 4 सी एल माइनस होते हैं, ठीक है। एफसीसी में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो इसमें एन ए सी एल के एक इकाई में 4 एन ए प्लस और 4 सी एल माइनस होंगे। तो ध्यान दीजिए 4 मिलेंगे तो एक बनेगा, और टोटल है कितना एक मोल में 6.022×10^23। तो ये एक मोल में आपको पूछ रहे हैं तो 4 पर एक है तो इतना पर कितना, तो देर पर एन ए सी एल इकाई सेल की संख्या, इकाई सेल की संख्या बराबर हो जाएगा टोटल यानी 6.022×10^23 बटा में 4।
और डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा एक दशमलव पांच, उसके बाद जीरो, फिर चार चार, इस तरह बड़े दस के पावर तेईस। तो इसके नियर अबाउट मतलब कौन है, एक दशमलव पांच बड़े दस के पावर तेईस, तो ये आपको उत्तर हो जाएगा आंसर। अब देखिए जेड एन अपनी गलित अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना एच सी पी प्रकार की है। समीपस्थ परमाणुओं की संख्या, समीपस्थ मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब समन्वय संख्या पूछ रहा है, तो समन्वय संख्या एच सी पी बोल रहा है। एच सी पी में समन्वय संख्या कितनी होती है, 12, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर तक जब हम गए थे चेक करने में, तो 10 नंबर तक अधिकांश बच्चों का 9 नंबर तक भी आया, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन 10 के बाद गड़बड़ा गया। तो 10 के बाद वाले प्रश्नों को हम लोग थोड़ा और बढ़िया से देख लेंगे। अब इसको 11 को देख लेते हैं, और तब 12 की बारी आएगी, तो इधर रफ करके तब आएंगे आपके पास, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक ठोस ए बी जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है, NaCl HCC में बढ़िया है, ए परमाणु घनीय एकक कोशिका के सभी कोनों पर घेरता है, ए परमाणु एकक कोशिका के कोनों पर घेरता है, क्लियर। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाए तो ठोस की स्टोइकोमेट्री होगी, मतलब ठोस का सूत्र होगा, एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाए, पूरा निष्कासित 100%, तो इसका जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा, A3B4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसके लिए आपको NaCl की संरचना बनानी पड़ेगी, तो NaCl की आप संरचना बना सकते हो, तो ये जब A बटा में B अनुपात निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा A बटा में AB का मतलब 3/4, 12/1 बराबर 3/4, मतलब 3:4, मतलब A 3 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 4। ये तरीका झटपट इसको बनाने का हम बताएं, राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा A3B4 कंप्लीट। चलिए अब अगले की बात करते हैं, एक एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है तथा जो एबीसी एबीसी संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है, टोटल परमाणु इसमें 2 है, राइट, 12 नंबर में टोटल परमाणु कितने हैं, टोटल परमाणु बराबर 2 है, टोटल परमाणु बराबर 2, ठीक है। तो अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी होंगी, 2 होंगी, और चतुष्फल की रिक्तियां दुगुनी, मतलब दुगुनी 4 होगी। ये तो होगा, देखिए पूछते हैं क्या, एक एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, तथा जो एबीसी एबीसी संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, ये दो जो है ये टोटल परमाणुओं की संख्या है, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, यहां पर टोटल संख्या जेड है, तो अष्टफल की रिक्तियां भी जेड होगी, और ये दुगुनी हो जाएगी 2z, ये बराबर हो जाएगी 2z, तो टोटल चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, दुगुनी यानी 2z, ये आपका दूसरा नंबर आंसर होगा, क्लियर। चलिए अब अगला फिर न्यूमेरिकल आ गया, इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं आपके लिए, देखते हैं। 13 नंबर, NaCl क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या, तो ध्यान दिया NaCl क्रिस्टल में Na+ और Cl- दोनों की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यह आंसर भी कंप्लीट है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान है, एक धातु FCC में है, FCC का मतलब फलक केंद्रित में, कोर की लंबाई A बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिए FCC में आपको क्या दिया गया है, A बराबर दिया गया है 408 पिकोमीटर, और व्यास पूछ रहा है D बराबर 8 है, तो FCC में फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, R बराबर A/√2 होता है। चलिए इसी को कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, 2R बराबर क्या हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, ये 2R बराबर क्या होगा, D बराबर A/√2 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना दिया है 408 पिकोमीटर, 408 रखिए और बटन में √2 का वैल्यू रखिए, 1.414 डिवाइड कर दीजिए 1.414 से, तो ये लगभग आपका 288 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 288 पिकोमीटर, कंप्लीट। अब ठीक है, सरल सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव कितना होगा, कुल आयतन का प्रभाव कितना होगा, 5/6 होगा, ये आप ले जाकर संकुलन क्षमता में देख सकते हो, वहां पे आप 5/6 गुणे 100 किए थे, तो यहाँ परसेंट मत निकालिएगा, 100 कोटा दीजिएगा, केवल प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है। 16 नंबर बोले, एक ठोस यौगिक एक्स वाई की NaCl संरचना है, बहुत दमदार प्रश्न है, एक्स वाई की NaCl संरचना है, यदि धनायन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर है, तो ऋणायन मतलब Y- की त्रिज्या होगी, Y- की त्रिज्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, जिसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हुए थे, गौर कीजिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है, NaCl संरचना यदि धनायन की त्रिज्या मतलब R+ की त्रिज्या दिया है, R+ बराबर 100 पिकोमीटर, और आपसे पूछ रहा है ऋणायन की त्रिज्या Y- बराबर वाट, ठीक है। तो याद कीजिए
NaCl में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो जब समन्वय संख्या 6 होती है त्रिज्या अनुपात क्या होता है? ठीक, तो आपको याद होगा त्रिज्या अनुपात का क्रम बताए थे लॉ 4:4 से 0.732 तक होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो NaCl में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, राइट। तो अब ये त्रिज्या अनुपात है, मतलब आर प्लस बटा में आर माइनस, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दिया है, यहाँ पे आप एक्स प्लस और बटा में y माइनस बराबर मिनिमम ले सकते हो, मैक्सिमम ले सकते हो, ध्यान दो 0.414 भी ले सकते हो, क्योंकि ये त्रिज्या अनुपात आएगा मिनिमम, और एक जो हो जाएगा x प्लस और बटा में y माइनस बराबर ये ले सकते हो 0.732, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से y माइनस बराबर क्या मिल जाएगा? y माइनस बराबर मिल जाएगा x प्लस और बटा में 0.414, यहां से y माइनस बराबर क्या मिल जाएगा? यहां से y माइनस बराबर मिल जाएगा x प्लस और बटा में 0.732। अब डिवाइड करना है, x प्लस का वैल्यू कितना है? 100 बटा में 0.414, यहां जब मिनिमम वाले से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 241.5 पिकोमीटर, मैक्सिमम वाले से डिवाइड करोगे तो 136.6 पिकोमीटर आ जाएगा। मतलब यहां पर जो ऋणायन की त्रिज्या होगी 136.6 पिकोमीटर से 241.5 पिकोमीटर हो सकती है इसके बीच में। तो इसके बीच में 136.6 से 241.5 तक, ठीक है ना। तो इसमें मिनिमम वाला जो है और मैक्सिमम वाला कौन है? तो ये दोनों में से 0.732 से ज्यादा बेटर 0.414 को लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl में जो अनुपात आता है वो 0.5 और समथिंग आता है, तो 4.414 के नजदीक है, तो वहां पे हम लोग लेते हैं तो हमारा सही उत्तर मिल जाता है 241.5 पिकोमीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे देखिए 17, 18, 19, ये सब तो हार्ड नहीं है, आसान है, उनका भी उत्तर देख लीजिए। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी अवयवी कण अब्सेंट नहीं होता है, केवल जालक के अंदर क्रिस्टल के अंदर ही अपना स्थान को बदलता है, अब्सेंट नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, राइट, ये उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ आते हैं फ्रेंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष किसके दोष है? क्रिस्टल दोष है, क्रिस्टल के दोष है, राइट। शॉर्ट की दोष किसके जालक की अपूर्णता परिभाषित करता है? तो शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष, कोई भी क्रिस्टलीय दोष किसकी अपूर्णता दर्शाता है? ठोस को। तो ये किसका हो जाएगा? ठोस को। Fe3O4 का क्रिस्टल है, ये तो आपको चुंबकीय गुण में बताए ही है, ये क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय हो जाएगा, राइट, ये लौह चुंबकीय इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके 200 प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया, और आप अपने आंसर को मिला लीजिए, और आपका रिजल्ट भी हमने सुना दिया है। फिर इस बार संडे को आपका टेस्ट है, रेडी रहिएगा, क्वेश्चन पेपर हम रेडी कर रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं, उसको पीडीएफ फाइल में बना के पिछले तरह ही एक वीडियो लोड करेंगे 5-7 मिनट या 10 मिनट का, और वो भी सॉलिड स्टेट से ही होगा। तो इन प्रश्नों का अभ्यास करके समझ लीजिए क्या होने वाला है। तो इस संडे को फिर सॉलिड स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट होने वाला है, आप तैयार रहिए। और अफसोस की बात यह है कि मैक्सिमम 18 नंबर तक पहुँचे हैं आप लोग, उसको आगे इंक्रीज कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे आईआईटी का सपना देख रहे हैं, तो आईआईटी वाले बच्चे जब एक चैप्टर का केवल एग्जाम हो रहा है तो उस स्थिति में आपको 100% रिजल्ट देना है, क्योंकि आईआईटी में टोटल सिलेबस को मिलाकर पूछेगा। अभी एक चैप्टर है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपका एनर्जी भी बचा हुआ है, आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो, तो बहुत मन लगा के रिजल्ट भी दो, और फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ।